डी क्लास सेवन मैथ्स चैप्टर फोर एक्सपोनेंट एंड पावर्स की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इलेवन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म जो ये हमें नंबर दे रखे हैं उसको हमने यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो इलेवंथ का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइव पॉइंट थ्री इन टू टेन रेज टू पावर फाइव इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है ये क्या नंबर था तो फाइव पॉइंट थ्री और टेन रेज टू पावर का मतलब है वन डाल के टेन ज़ीरो ठीक है यानी कि वन लैख अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे फाइव पॉइंट थ्री को वन लैख से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर फिफ्टी थ्री को वन लैख से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी थ्री और ये आ जाएंगी पाँच ज़ीरो अब डेसिमल हमने कितने के बाद लगाना है डेसिमल लगाना है देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं सिर्फ एक ही नंबर है डेसिमल के बाद तो पीछे से डेसिमल के बाद पीछे से एक नंबर के बाद क्या लगेगा डेसिमल लगेगा तो इधर से हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे ये यह यहाँ पे तो डेसिमल के बाद जो जीरो है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास आंसर क्या आया फिफ्टी थ्री वन टू थ्री जीरो ये क्या आ गई हमारी यूजुअल फॉर्म आ गई ठीक है और तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में भी करे थे आपने वो वर्कशीट देख ली होगी ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करने से पहले जो पिछली जो वर्कशीट थी आप वो कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट एलेवन्थ का सेकंड पार्ट है देखो टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट नाइन है और फिर है टेन एस टू पावर माइनस टेन इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव क्योंकि ये नेगेटिव पावर थी अब टू पॉइंट नाइन अब टेन रेस टू पावर टेन का मतलब वन डाल के टेन जीरोज़ दो दो चार दो छ दो आठ और दो दस अब देखो अब हमने डेसिमल लगाना है जितनी जीरोज़ नीचे हैं उतना हम किधर से चलेंगे हम चलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल है यहाँ पे है डेसिमल तो इधर इससे आगे हम चलेंगे ठीक है कितने स्टेप आगे चलेंगे हम चलेंगे स्टेप टेन स्टेप क्योंकि नीचे कितने जीरोज़ हैं टेन जीरोज हैं और यहाँ से गिनना शुरू करेंगे टू से तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे आ जाएगी डेसिमल और यहाँ पे अपनी तरफ से लगा दो जीरो और टू के आगे क्या है नाइन है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाइन और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है टू से आगे कोई डिजिट नहीं थी इसलिए हमने जीरो जीरो से लगाई है समझ गए अब इसका देखते हैं थर्ड ये भी ऐसे ही है सेम ऐसे ही है फोर पॉइंट सिक्स अब ये जो टेन एच टू पावर माइनस ट्वेल्व है इसको नीचे ले आएंगे हम यानी कि कितनी जीरो से आ जाएंगी ट्वेल्व जीरो से आ जाएंगी दो दो चार दो छ दो आठ दो दस और दो बारह ठीक है अब देखो डेसिमल कहाँ आएगा वैसे ही करेंगे डेसिमल अब हमारे पास था फोर पॉइंट सिक्स जैसे ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही हमारे पास है ये क्वेश्चन ठीक है तो कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितने के बाद आएगा डेसिमल डेसिमल आएगा ट्वेल्व उसके बाद और यहाँ से गिनना शुरू करेंगे फोर से गिनना शुरू करेंगे डेसिमल क्योंकि यहाँ पर है तो फोर से गिनना शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल और फिर जीरो और फोर के आगे क्या है सिक्स है तो सिक्स भी लगा देंगे ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी यूजल फॉर्म होगी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में पावर पॉजिटिव है इसको नीचे ले जाने की जरूरत नहीं वन पॉइंट जीरो एट इन टू टेन डेज टू पावर सेवन का मतलब है वन डाल के सेवन जीरो दो दो चार दो छः और एक साथ अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वन हंड्रेड एट की जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितनी जीरो आ जाएंगी पीछे दो दो चार दो छः और एक साथ और डेसिमल कितने के बाद लगेगा देखो डेसिमल के बाद कितने हैं दो हैं ठीक है दो डिजिट हैं यानी कि पीछे से इस साइड से हम दो डिजिट के बाद यानी कि दो जीरो के बाद डेसिमल लगाएंगे वन टू यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। और डेसिमल के बाद जरूरत हैं उसको हम लिखते नहीं हमारा तो आंसर आया वन ज़ीरो एट एक दो तीन चार पाँच पाँच आ जाएंगी ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया ठीक है ईजी था अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी ऐसे ही है थ्री पॉइंट ज़ीरो नाइन इंटू टेन रेस्ट टू पर इलेवन है तो वन डाल के इलेवन जीरो दो चार छ आठ दस और एक ग्यारह ठीक है अब थ्री ज़ीरो नाइन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ज़ीरो नाइन कितनी जीरो से आ जाएंगे इलेवन जीरो से आ जाएंगे पीछे दो दो चार दो छः दो आठ दो दस और एक ग्यारह और डेसीमल कितने के बाद लगेगा डेसीमल के बाद दो, दो डिजिट है तो पीछे से दो के बाद लगेगा वन टू यहाँ पे डेसीमल लग जाएगा तो डेसीमल के बाद जो जीरोज़ हैं उसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थ्री जीरो नाइन और ये कितने जीरो से तो बची नाइन जीरो से तो बची दो दो चार दो छः दो आठ और एक नौ ये क्या आ गया हमारी यूजल फॉर्म आ गई ये हमारा आंसर आ गया अब क्वेश्चन नंबर इसका ये फाइव हो गया अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इसका ये भी ऐसा ही है तो सिक्स पॉइंट ज़ीरो 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 फाइव इंटू टेन डेस्ट टू पावर नाइन का मतलब है वन डाल के नाइन ज़ीरो दो दो चार दो छः दो आठ और देख नौ अब इसकी मल्टीप्लाई जब होएगी तो पीछे क्या आ जाएगी सिक्स ज़ीरो 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 फाइव और कितनी जीरो आ जाएंगी पीछे नाइन जीरो आ जाएंगी दो दो चार दो छः दो आठ और एक नौ डेसिमल कितने के बाद आएगा पीछे से ये गिन लेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव फाइव के बाद आएगा पीछे से वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल तो जो हमारा आंसर है डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज हैं उनको हम नहीं लिखेंगे तो सिक्स जीरो 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 ठीक है जीरो फाइव तो ये कितने जीरोज़ हैं चार जीरोज़ हैं एक दो तीन चार ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया ठीक है तो इस तरह से आपने ये एलेवंथ क्वेश्चन करना था अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ठीक है form, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ठीक है ये जो नंबर है पहले हमने यूजुअल फॉर्म में लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ठीक है देखो किस तरह से करना है जो डेसिमल है वो हमने या अब इसमें दिख नहीं रहा डेसिमल तो इसका मतलब डेसिमल है यहाँ पर और इस डेसिमल को उठाकर हमने लाना है सात के बाद पहली डिजिट के जो पहली डिजिट है पहले नंबर पर जो डिजिट उसके बाद लाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है तो हम कितने स्टेप चले हम चले देखो कहाँ से कहाँ चले हम चले राइट से लेफ्ट की तरफ राइट से हम लेफ्ट की तरफ राइट right से लेफ्ट की तरफ चले तो कितने डिजिट चले हैं वो गिन लो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट चले हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे हम सेवन पॉइंट सिक्स टू एट फाइव और लास्ट वाली जो जीरोज़ है लास्ट जो जीरो अगर लास्ट में हो तो उसको हम लिखते नहीं उसको हमने लिखा नहीं इनटू कितने स्टेप चले थे अभी बताया मैंने फाइव स्टेप चले थे राइट से लेफ्ट की तरफ तो क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं इसलिए पावर पॉजिटिव रहेगी टेन की तो टेन रेज टू पावर फाइव ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया ठीक है ईजी था अब नेक्स्ट देखते हैं आपने कर रखे हैं मैंने पहले करवा रखे हैं वही चीज़ है अब इसमें भी ऐसे ही हमने डेसिमल दिख नहीं रहे तो डेसिमल है यहाँ पर तो कहाँ पर लेके आना है हमने डेसिमल लेके आना है दो के बाद पहले डिजिट के बाद लाना होता है तो कितने स्टेप चले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चले तो इसको हम लिखेंगे कैसे 2.5 लास्ट में जीरोज़ हैं उसको हमने लिखा नहीं और हम कितने चले थे दो दो चार दो छः छः पॉइंट चले थे किधर से किधर राइट से लेफ्ट की तरफ चले थे इसलिए टेन रेस टू पावर सिक्स आएगा पॉजिटिव पावर आएगी अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे तो पावर पॉजिटिव आएगी अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ तो पावर पॉजिटिव और लेफ्ट से राइट की तरफ तो पावर नेगेटिव आएगी अब देखते हैं अगला ये देखो नेगेटिव वाला ही आ गया अब क्या करना है हमने ये डेसिमल है इस डेसिमल को नाइन के बाद लेके आना है यहाँ पे पहली डिजिट के बाद लेके आना है ठीक है तो कितने कितने चले हम कितने स्टेप चले वन टू टू स्टेप आगे चले और मगर चले किधर से किधर हैं हम चले लेफ्ट से राइट right की तरफ तो टेन की पावर क्या होएगी नेगेटिव होएगी इस बार तो हम लिखेंगे नाइन पॉइंट जीरो नाइन के आगे कुछ नहीं था तो पॉइंट लगा दिया हमने और ज़ीरो अपनी तरफ से लगा दी इनटू टू टेन रेस टू पावर अब देखो कितने स्टेप चले थे दो स्टेप चले थे और लेफ्ट से राइट की तरफ तो पावर आ जाएगी नेगेटिव टू ठीक है माइनस टू नेक्स्ट नेक्स्ट भी ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है अब देखो कहाँ से किधर चल रहे हैं हम यहाँ से पॉइंट लाना है हमने सेवन के बाद पहली डिजिट के बाद लेना है तो कितने स्टेप चले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्टेप चलेंगे तो इसको लिखेंगे हम सेवन पॉइंट सिक्स इन टू टेन रेस टू पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी पावर होएगी नेगेटिव क्यों नेगेटिव क्यों होएगी क्योंकि हम किधर से लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे हैं कितने स्टेप दो दो चार और दो यानी कि पावर क्या होएगी माइनस सिक्स टेन की पावर माइनस सिक्स तो ये भी हो गया हमारा अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट नंबर फिफ्थ भी ऐसा ही है ठीक है हमने डेसिमल लेके आना है यहाँ पर यहाँ से यहाँ लाना है ठीक है कितने स्टेप चले हम हम चले दो दो चार दो छः और दो आठ स्टेप चलने पड़ेगा हम लिखेंगे एट पॉइंट एट पॉइंट जीरो क्योंकि एट के आगे कुछ नहीं है एट पॉइंट ज़ीरो इंटू टेन रेज टू पावर दो दो चार दो छः दो आठ चले थे और लेफ्ट से राइट की तरफ चले थे तो पावर आ जाएगी माइनस एट ठीक है हो गया अभी अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में अब देखो डेसिमल दिख नहीं रहा तो डेसिमल है यहाँ पर और तो डेसिमल हमने लाना है इधर से इधर पहले डिजिट के बाद तो कितने स्टेप चले हम हम चले दो दो चार दो छः दो आठ दो दस और एक ग्यारह ग्यारह स्टेप गए हैं किधर से किधर गए हैं हम गए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो पावर होएगी पॉजिटिव तो इसको लिखेंगे फोर पॉइंट फाइव नाइन टू लास्ट की जो जीरोज हैं उसको हम नहीं लिखते तो इन टू टेन रेस टू पावर इलेवन पॉजिटिव आएगी पावर तो क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ गए थे तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ट्वेल्व का इसके सिक्स पार्ट अभी इसका देखते हैं हम ट्वेल्थ का सेवन पार्ट ट्वेल्थ का सेवंथ पार्ट है देखो पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे ये है थ्री हंड्रेड फिफ्टीन इंटू टेन रेस टू पावर फाइव और नीचे हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन का मतलब है डेसिमल हटा दो तो सेवन बाई टेन ठीक है डेसिमल हटा दिया हमने क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी इसलिए नीचे टेन लगा दिया इन टू टेन रेस टू पावर थ्री अब ये सेवन बाई टेन है टेन ऊपर चला जाएगा इसका रेसिप रोकल लेंगे हम तो थ्री हंड्रेड फिफ्टीन इंटू टेन रेस टू पावर फाइव और ये जो टेन था ये ऊपर चला गया इंटू टेन और नीचे रह गया सेवन इंटू हमारे पास टेन रेस टू पावर थ्री अब ऊपर क्या है हमारे पास थ्री हंड्रेड फिफ्टीन और टेन रेस टू पावर फाइव इंटू टेन रेस्ट टू पावर वन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया टेन रेस टू पावर सिक्स और नीचे सेवन इंटू टेन रेस टू पावर थ्री अब अगर हम 315 को 7 से डिवाइड कर दें ठीक है तो हमारे पास आएगा 45। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएंगे माइनस यानी कि 10 रेज टू पावर 6 माइनस थ्री तो कितनी रह जाएगी पावर 3 तो हमारे पास क्या आया 45 और 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है 1000, ठीक है तो फोर्टी फाइव को जब हम वन थाउजेंड से अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अब ये तो चलो टेन की थ्री ही रहने दो इसको इसको क्योंकि पावर में लिखना है तो इसको हमने टेन की थ्री ही रहने दिया अब ये फोर्टी फाइव है तो फोर्टी फाइव हमने डेसिमल यहाँ से कहाँ लाना है यहाँ पे लाना है फोर के बाद लाना है यानी कि हम इसको लिखेंगे फोर पॉइंट फाइव तो डेसिमल कितने मतलब कितने स्टेप आगे चला एक स्टेप चला तो टेन की पावर वन और ये टेन की पावर थ्री पहले से ही था हमारे पास तो क्या हो गया हमारे पास फोर पॉइंट फाइव टेन की पावर वन और टेन की पावर थ्री बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर टेन की पावर फोर तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट भी ऐसे ही है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है सॉल्व कैसे करेंगे अब, अब ये है हमारे पास फोर पॉइंट फोर तो इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो फोर्टी फोर अपॉन कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा और ऊपर है टेन रेस टू पावर माइनस सेवन और नीचे हमारे पास फोर्टी फोर और क्या है टेन रेस टू पावर माइनस फाइव ठीक अब इसको अगर आगे सोल्व करें हम तो हमारे पास फोर्टी फोर से फोर्टी फोर कैंसिल हो जाएगा ठीक है चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम नीचे क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं पहले हम ठीक है ऊपर है फोर्टी फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस सेवन और नीचे इस फोर्टी फोर को फोर्टी फोर के नीचे लिख लेता हूँ मैं नीचे बचा टेन और टेन की पावर माइनस फाइव सेम है तो पावर हो जाएंगी एड जब टेन की पावर वन है वन में क्या ऐड करेंगे माइनस फाइव ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस फोर तो कितना बचा टेन की पावर माइनस फोर बचा ठीक है ये टेन की वन थी और टेन की फाइव थी बे जब पावर को ऐड किया तो माइनस फोर बचा अब फोर्टी फोर को फोर्टी फोर से जब हम करेंगे डिवाइड तो आएगा वन या फिर वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन पॉइंट ज़ीरो ठीक है इन टू अब टेन डेज टू पावर माइनस सेवन और नीचे क्या है टेन रेस टू पावर माइनस फोर डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड जब करते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है माइनस सेवन में से क्या माइनस करेंगे माइनस फोर करेंगे ठीक है अब दो बार माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस यानी कि टेन रेस टू पावर माइनस सेवन है और प्लस फोर है तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री वन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया वन को हमने लिख दिया वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री अब इसका लास्ट है ट्वेल्थ का लास्ट पार्ट है इसको भी देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे अब इसमें है सेवन इंटू टेन रेस टू पावर टू और एट इंटू टेन रेज टू पावर थ्री ठीक है सेवन और एट को मल्टीप्लाई पहले हम इकट्ठा लिख लेते हैं और टेन रेस टू पावर टू और टेन एच टू पावर थ्री की मल्टीप्लाई इकट्ठा लिख लेते हैं सेवन एट जाओगे फिफ्टी सिक्स और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी टू प्लस थ्री कितनी हो जाएगी पावर फाइव हो जाएगी अब जो डेसिमल है हमने यहाँ पर लेके आना है यहाँ से यहाँ लेके आना है फाइव के बाद तो फाइव पॉइंट सिक्स क्योंकि हम हम चले हैं राइट से लेफ्ट की तरफ और एक स्टेप चले आगे तो टेन की पावर वन पॉजिटिव होएगी ठीक है इंटू टेन की पावर फाइव तो फाइव पॉइंट सिक्स अब ये टेन की पावर वन और टेन की पावर फाइव सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी वन प्लस फाइव कितने हो जाएगी सिक्स तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आगे ये हमने किस में लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हमें सिंपलीफाई इसमें करना है ठीक है इसका आंसर हमने निकालना है ये क्या इसका नंबर क्या बनेगा लास्ट में वो निकालना है हमने तो देखो कैसे करना है सेवन बाय एट रेस टू पावर माइनस थ्री है इतना है माइनस थ्री तो इसको कैसे करेंगे इसको पहले हम पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो रेसिप प्रोकर ले लेंगे एट बाय सेवन रेस टू पावर थ्री और नाइन बाय फाइव रेस टू पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन किसी रैशनल नंबर की पावर अगर जीरो तो वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है अब एट की पावर माइनस टू है तो इसको भी पॉजिटिव बनाओ एट का रेसिप्रोकॉल वन बाय एट की पावर टू हो जाएगी और वन बाय सेवन का रेसीप्रोकॉल और वन बाय सेवन की पावर माइनस वन है तो इसको भी पॉजिटिव बनाओ रेसिप्रोकॉल जब लेंगे वन बाय सेवन का रेसीप्रोकॉल होता है सेवन सेवन एस टू पावर वन पावर वन लिखने की जरूरत नहीं इसको अब आगे सॉल्व करेंगे एट बाय सेवन की पावर थ्री है तो इसको तीन बार कर देंगे हम मल्टीप्लाई ये वन लिखने की जरूरत नहीं वन बाई एट की पावर टू है तो इसको कर देंगे हम दो बार मल्टीप्लाई और इनटू सेवन अब जो कटिंग होती है कटिंग कर देंगे एट से एट कट हो गया एट से एट कट हो गया ठीक है और ये सेवन से सेवन कट हो गया तो हमारे पास जो ऊपर आया वो है सिर्फ बचा एट और नीचे क्या बचा सेवन इंटू सेवन यानी कि फोर्टी नाइन यही हमारा क्या है एट बाई फोर्टी नाइन यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया तो इजी क्वेश्चन था अब थर्टीन का सेकंड पार्ट है देखो जो पहले ब्रैकेट के जो अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे फोर बाय फाइव रेस टू पावर थ्री रेस टू पावर टू यानी कि पावर के ऊपर पावर आ गई तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी फोर बाय फाइव रेस टू पावर सिक्स डिवाइडेड बाय फोर बाय फाइव रेस टू पावर टू और ये ब्रैकेट बंद और इनटू वन बाय फोर रेस टू पावर माइनस टू है तो इसका रेसी प्रोकल ले लेंगे यानी कि फोर रेस टू पावर टू हो जाएगा वन बाय फोर का रेसी प्रोकल बनेगा फोर ठीक है पावर पॉजिटिव होगी ऐसी फोर की पावर माइनस वन है इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे फोर का रेसी प्रोकल होता है वन बाय फोर रेस टू पावर वन वन लिखने की जरूरत नहीं है पावर अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अगर हम सॉल्व करें तो फोर बाय फाइव रेज टू पावर सिक्स ठीक है बेस सेम है इधर भी फोर बाय फाइव है बेस और इधर भी और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगे आपको पता है फोर बाय फाइव सिक्स में से टू माइनस होएगा तो कितना बचेगा फोर बचेगा इंटू फोर रेस्ट टू पावर टू का मतलब है फोर इंटू फोर और इंटू वन बाय फोर अब इसको भी हम फोर फोर बाई फाइव रेस्ट टू पावर फोर है तो इसको भी हम कितने बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई चार बार ठीक है और यहाँ पे था फोर इंटू फोर इंटू वन बाई फोर जो अब कटिंग होती है कटिंग कर देंगे फोर से फोर हो गया कैंसिल ठीक है तो ऊपर बचा हमारे पास कितनी बार फोर वन टू थ्री फोर फाइव इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो हमारे पास आएगा वन जीरो टू फोर और नीचे फाइव कितनी बार है चार बार है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो यही हमारा क्या है आंसर है ठीक है अब इसका देखते हैं थर्टीन का थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है माइनस फोर बाय फाइव रेस टू पावर थ्री है ठीक है ये बस नेगेटिव पावर है चलो इसको पहले हम पॉजिटिव बना लेते हैं बाकियों का वैसा लिख लेते हैं माइनस फोर बाई फाइव रेस्ट टू पावर थ्री इंटू फाइव रेस टू पावर टू इंटू माइनस वन बाई टू रेस टू पावर फाइव इसको जब पावर को पॉजिटिव बनाएंगे वन बाय टू का रेसिप्रोकल टू टू रेज टू पावर थ्री ठीक है अब इसको हम क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे तो माइनस फोर बाई फाइव को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर थ्री थी फाइव को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे पावर टू थी क्योंकि और माइनस वन बाई टू को कितनी बार करेंगे इसको करेंगे पांच बार मल्टीप्लाई तीन चार और ये पाँच ठीक है और टू को कितनी बार करेंगे टू को हम करेंगे तीन बार मल्टीप्लाई क्योंकि पावर थ्री थी अब जो कटता है उसको हम उसकी हम कटिंग कर देंगे देखो फाइव से फाइव कैंसिल इस फाइव से ये फाइव कैंसिल ठीक उसके बाद टू भी कर लेते हैं कैंसिल इस टू से ये टू कैंसिल इस टू से ये टू कैंसिल और ये टू से ये टू कैंसिल ठीक है अब टू टू जा फोर और फिर ये टू से टू कैंसिल ठीक है नीचे हमारे पास क्या बचा है नीचे हमारे पास बचा है सिर्फ फाइव तो नीचे तो बचा है फाइव ठीक है बाकी सारे कैंसिल हो गए और ऊपर बचा है हमारे पास ये दो बचे हैं फोर और फोर और माइनस देख लो कितनी बार आ रहा है माइनस आ रहा है आठ बार आठ बार माइनस आ रहा है इवन नंबर में माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा तो फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन फाइ फाइव ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया ठीक है अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्टीन का फोर्थ फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट करते हैं इसको सोल्व टू बाय थ्री रेस टू पावर टू रेस टू पावर माइनस सिक्स ठीक है तो पावर के ऊपर जब पावर आ गई तो हम क्या करेंगे इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे टू बाय थ्री रेस टू पावर माइनस ट्वेल्व इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इंटू टू बाय थ्री रेस टू पावर टू इंटू थ्री बाय अब इसका भी हम क्या लेंगे रेसी ब्रोकर ले लेंगे जब इसका रेसी ब्रोकर लिया थ्री बाय टू का तो क्या आएगा टू बाय थ्री रेस टू पावर हमारे पास क्या गया? टैन आ गया टेन आ गया ठीक है तो इधर भी रेसी ब्रोकर ले, ले लेते हैं क्योंकि पावर माइनस है थ्री बाय टू ये क्या हो गया थ्री बाय टू रेस टू पावर प्लस का ट्वेल्व हो गया है ठीक है और यहाँ पे था टू बाय थ्री रेस टू पावर टू और ये था टू बाई थ्री रेस टू पावर टेन ठीक है अब थ्री बाय टू रेस टू पावर ट्वेल्व अब इन दोनों का देखें टू बाय थ्री टू बाय थ्री ये बेस हो गया सेम और जब बेस सेम हो जाता है मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है यानी कि टू बाय थ्री तो जब बेस सेम था पावर ऐड कर दी टू प्लस टेन यानी कि ट्वेल्व ठीक है अब इसकी पावर भी ट्वेल्व है और इसकी पावर भी ट्वेल्व है दोनों की पावर क्या होगी इसकी भी ट्वेल्व और इसकी भी ट्वेल्व और ये एक दूसरे के क्या है आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है अब या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो थ्री बाई टू को ट्वेल्व बार मल्टीप्लाई करेंगे और टू बाई थ्री को भी ट्वेल्व बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा ठीक है और दूसरे तरीके से अगर मैं आपको करवाऊँ तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है जैसे थ्री की पावर ट्वेल्व है और टू की पावर ट्वेल्व है यानी कि सिक्स की पावर ट्वेल्व हो जाएगी और नीचे भी क्या हो जाएगा सिक्स की पावर ट्वेल्व हो जाएगी ठीक है तो ऐसे करवा देता हूँ या तो सीधा इसको कैंसिल करके मन लिख दो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर क्या है भाई थ्री की पावर ट्वेल्व अलग, अलग अलग लिख लो और नीचे क्या है टू की पावर ट्वेल्व ऐसे ही ऊपर टू की पावर ट्वेल्व और नीचे क्या आ जाएगा थ्री की पावर ट्वेल्व ठीक खोल लिया हमने इसको और थ्री की पावर ट्वेल्व टू की पावर ट्वेल्व पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री इंटू टू की पावर ट्वेल्व और नीचे नीचे भी पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस की मल्टीप्लाई कर दो टू इंटू थ्री की पावर ट्वेल्व यानी कि क्या आ जाएगा टू थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स की पावर ट्वेल्व आ गया ऊपर और नीचे टू इंटू थ्री भी सिक्स होता है नीचे भी सिक्स की पावर ट्वेल्व आ गया अब बेस क्या हो गया सेम हो गया जब बेस सेम होता है और डिवाइड जब हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है सिक्स की पावर ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और सिक्स की पावर ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व का मतलब है सिक्स की पावर जीरो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व हो जीरो और किसी की भी पावर अगर जीरो तो किसके होता है वन के इक्वल होता है तो आंसर क्या आ गया हमारा वन आ गया ठीक है या तो आप या इसी स्टेप पे ही आप यहाँ पे ही दोनों को कैंसिल कर दो और वन लिख दो या फिर जैसे मैंने करवाया वैसे भी आप कर सकते हैं ठीक है तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे थर्टीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोरटीन क्वेश्चन नंबर फोरटीन है इजी क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर ये जो नंबर है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसका फर्स्ट है द मीन डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस ये दे रखा है हमें इतने मीटर्स दे रखा है अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे अब डेसिमल है यहाँ पर और यहाँ से डेसिमल ले है हमने थ्री के बाद तो कितने स्टेप चले हम इधर से इधर कितने स्टेप चले हम चले हैं एट स्टेप ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे Uh, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी थ्री पॉइंट एट फोर ठीक है और फिर फोर और जो जीरोज हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं इन टू टेन रेस टू पावर एट हो जाएगा ये क्योंकि हम किधर से किधर चले हैं हम चले हैं राइट से लेफ्ट की तरफ ठीक है तो ये क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लास्ट में आपने मीटर लिखना है तो यहाँ पे आप मीटर लिख सकते हैं ठीक है इजी था और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है हम यहाँ या, यहाँ पे डेसिमल है यहाँ से हम कहाँ लाएंगे नाइन के बाद लाएंगे तो कितने स्टेप चले इधर से इधर इसको गिन लो कितने डिजिट हैं ये है डिजिट फिफ्टीन तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा नाइन पॉइंट फोर सिक्स जीरो फाइव और बाद में जीरो जीरोज हैं हम जीरोज़ को नहीं लिखेंगे जो लास्ट में जीरोज़ हैं इन कितने स्टेप चले थे टेन की पावर कितनी फिफ्टीन क्योंकि हम पॉजिटिव क्यों आए पावर क्योंकि हम राइट right से लेफ्ट की तरफ हम चले थे राइट right से लेफ्ट की तरफ हम चले थे अब ऐसे ही नेक्स्ट है नेक्स्ट में हमने कैसे करना है 5.5 पॉइंट मिलियन ठीक है 5.5 पॉइंट मिलियन मिलियन का मतलब क्या होता है मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ,00 तो 10 लाख ,00 लिख दो 10 लाख ,00 में कितनी जीरोज होती हैं सिक्स जीरोज ,00 होती हैं ठीक है और ये 5.5 पहले से ही है पहले से ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ठीक है तो 5.5 को हम 5.5 ही रहने देंगे और टेन ये सिक्स तो ये हो जाएगा टेन बेस टू पावर सिक्स ठीक है तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये हमें गिवन है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है देखो कैसे करना है लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा बेस है माइनस सेवन बाई इलेवन माइनस सेवन बाई इलेवन और इधर भी माइनस सेवन बाई इलेवन यानी कि हम दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम बेस रखेंगे माइनस सेवन बाई इलेवन इधर देखा हमने मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी माइनस सेवन बाई इलेवन तो पावर ऐड हो जाएंगी तो माइनस थ्री में क्या ऐड कर देंगे पावर प्लस का फाइव एक्स इधर ऐड हो गया और इधर हमने देखा पावर के ऊपर पावर है तो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई यानी कि माइनस सेवन बाई इलेवन माइनस टू की मल्टीप्लाई जब माइनस वन से होगी तो क्या आएगा प्लस का टू क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस टू होती है तो प्लस टू आ गया यहाँ पे अब हमने देखा इधर भी बेस माइनस सेवन बाई इलेवन है और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर अगर बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएंगी तो बेस को छोड़ दो और पावर पावर को ले लो माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स इज़ इक्वल टू टू ठीक है बेस को हमने छोड़ दिया पावर को ले लिया इधर जो थ्री है वो माइनस हो रहा है जब इक्वल के उधर जाएगा टू के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो फाइव एक्स थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव तो फाइव मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके करेगा डिवाइड फाइव बाई फाइव फाइव से फाइव जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वन तो हमारा आंसर कितना आ गया वन आ गया तो इजी क्वेश्चन था अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में देखो ये भी ऐसी है इधर भी थ्री बाय सेवन है बेस और इधर भी थ्री बाय सेवन है तो यही रहने देंगे हम और बीच में हो रही है डिवाइड जब डिवाइड होती है तो पावर क्या हो जाती है आ, पावर हो जाती है तब माइनस तो थ्री बाय सेवन पहले हम लिख लेंगे माइनस टू प्लस वन इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वन क्योंकि इसकी पावर क्या है माइनस वन माइनस वन ठीक है ये तो माइनस वन था और ये स... सब्ट्रैक्ट वाला माइनस वन था इज इक्वल टू और इधर है पावर के ऊपर पावर माइनस सेवन और माइनस वन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा प्लस का सेवन क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस ठीक है और इधर जब हमने सॉल्व किया थ्री बाई सेवन तो हमने जब इसको सोल्व किया माइनस का टू एक्स प्लस का वन और ये दो बार माइनस आ रहा है माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस ठीक है इज इक्वल टू थ्री बाय सेवन रेस टू पावर सेवन तो यहाँ पे आ गया थ्री बाय सेवन रेस टू पावर माइनस टू एक्स और वन और वन कितना हो गया टू हो गया इज इक्वल टू थ्री बाय सेवन रेस टू पावर सेवन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमने देखा कि बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर सेम हो जाएंगी बेस को छोड़ दो और पावर पावर ले लो पावर हो गई इक्वल ठीक है तो टू इधर क्या कर रहा है प्लस कर रहा है जब सेवन के पास जाएगा तो उधर जाके इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ठीक है माइनस का टू एक्स ये हो गया इज इक्वल टू फाइव सेवन में से टू माइनस करेंगे फाइव माइनस टू क्या कर रहा है इधर एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है जब उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा फाइव डिवाइडेड बाय माइनस टू ठीक है और इस माइनस को हम क्या लिख लेंगे माइनस को नीचे नहीं लिखते माइनस को ऊपर लिख लेंगे आंसर क्या आया माइनस फाइव बाई टू ये हमारा क्या आ गया एक्स की वैल्यू आ गई हमारा आंसर आ गया ठीक है तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करना था अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पी क्यू हमें गिवन है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी निकाल है पी बाय क्यू रेस टू पावर माइनस टू की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे पी बाय क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो पी बाई क्यू क्या गिवन है फाइव बाय सिक्स रेस टू पावर माइनस टू इंटू फोर बाय थ्री रेस टू पावर ज़ीरो पहले इसको ही सॉल्व करेंगे हम कि पी बाई क्यू कितना है तो इसको रेसिप्रोकर लेंगे पॉजिटिव बनाएंगे पावर तो सिक्स बाय फाइव रेस टू पावर टू हो जाएगा और जब किसी रैशनल नंबर की पावर जीरो तो वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है यानी कि फोर बाय थ्री रेस टू पावर जीरो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है अब सिक्स रेस टू पावर सिक्स बाय फाइव रेस टू पावर टू इसको कैसे लिखेंगे सिक्स बाय फाइव इंटू सिक्स बाय फाइव पावर टू थी और वन लिखने की ये तो ये तो ज़रूरत नहीं है ठीक है तो क्या आया थ्री सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव ये हमारी किसकी वैल्यू आई है P बाई क्यू की वैल्यू आई है अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है हमने निकालना क्या है P बाय क्यू पी बाई क्यू रेस टू पावर माइनस टू ये हमने निकालना है ठीक है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है तो अब आप P बाई क्यू की वैल्यू फुट करेंगे P बाई क्यू की वैल्यू है थर्टी सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव और इसकी पावर कितनी थी माइनस टू यानी कि P बाई क्यू की जगह हमने क्या रख दिया थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव रख दिया ठीक है अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे पावर माइनस में है तो ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स रेस टू पावर टू ठीक है पावर पावर पॉजिटिव होगी अब इसको दो बार कर देंगे मल्टीप्लाई पावर टू है ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव की ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई होएगी तो कितना आएगा ये आएगा सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और थर्टी सिक्स की थर्टी सिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा वन टू नाइन सिक्स यही हमारा क्या है आंसर है यही हमने क्या निकाल लिया है पी बाई क्यू माइनस टू रेस्ट टू पावर माइनस टू की वैल्यू यही हमारी आ गई है ये हमारा क्या है आंसर है तो वर्कशीट हमारी हो गई कंप्लीट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार